अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जो बिहार की राजनीति जो चल रही है उसी सिलसिले में कुछ बात करना है। सबसे पहले हम अपने तरफ से विशेष रूप से फरियाद अमर साहब को, जो राज्यसभा मेंबर में चुन के जा रहे हैं, उनको बहुत सारा ढेर सारे मुबारकबाद। मीसा भारती को भी मुबारकबाद देते हैं। आज जदयू से भी कोई भी राज्यसभा सदस्य जाते हैं हमारे बिहार से चुन के, उनको भी हमारे तरफ से बहुत सारे ढेर सारे मुबारकबाद, शुभकामनाएं। रही बात राज्यसभा की, तो फयाज अहमद साहब भी मुस्लिमे हैं और मुसलमान भाइयों को इस बात का तकलीफ नहीं होना चाहिए, कहे कि एक भाई ही चुन के जा रहा है। सिवान के राजनीतिक जो कुछ लोगों के बीच में ये चलता है कि मुसलमान उनके बंधुआ मजदूर हैं, जो हम कहेंगे वही होगा, वो सब होने जाने न होने वाले बात नहीं है, ना होगा। सिवान के समस्त जनता, पूरे बिहार के तमाम मुसलमान भाइयों को फयाज अहमद साहब को मुबारकबाद देना चाहिए। एक मुस्लिम भाई जब मुसलमान की बात करते हैं तो वो भी तो मुसलमान हैं, मुस्लिम की बात है तो वो भी तो मुसलमान है। और पार्टी का आला कमान का जो भी निर्णय है, जिस पार्टी में जो भी इंसान है, आला कमान का जो भी निर्देश हो उसका पालन करना है। टिकट मिले चाहे राज्यसभा मिले अथवा ना मिले, और चिल्लाने या छटपटाने से क्या होने जाने वाला। एक मुस्लिम को आप लोग हरा के जो जीता है उसके यहाँ होली या जश्न चाहे अबीर खेला जाता है, तो मुसलमान लोग के घर में अबीर होली हो रहा था, उस समय मुस्लिम कहाँ थे जो मुस्लिम अबीर होली खेल रहे थे। और सिवान का समीकरण मैं बदलूँगा, जरूर बदलूँगा, सारण कमिश्नरी का समीकरण बदलूँगा। और मुस्लिम किसी की जागीर में बसता नहीं है कि जो मुसलमान को आदेश और निर्देश दीजिएगा वही होगा। अब बिहार का भ्रमण हम भी कर रहे हैं, ऐसा थोड़े है, किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, छोड़ेंगे नहीं। अपना में तीता लग रहा है, हैं? सब लोग से भेंट हो जिला में, हमरो यही जा रहा है एक बार, तार लोग यही जा रहा है एक बार। सही भाइयों से यही अपील है, जो भी चुन के जाता है उसको आप लोग अपने तरफ से मुबारकबाद दीजिए, जाए बिहार का विकास हो, विकास के विषय में चर्चा विचार विमर्श होना चाहिए। दो ही सीट है, किसी को तो दो ही आदमी को मिलेगा, चार आदमी को तो मिलेगा नहीं, उसमें से छटपटाने और चिल्लाने क्या जरूरत है। फयाज साहब को मुबारकबाद देना चाहिए आप लोग को। समस्त सिवान के जनता से यही अपील है कि अपने तरफ से भी उनको मुबारकबाद दें, ताकि वो भी तो मुसलमान हैं। बाकी लोग कहाँ हैं, इतना सारे लोग जो थे अभी हैं कहाँ, 10 गो मुसलमान छोड़ के और लोग कहाँ हैं, जिसको जिसको जीता के विधायक ही बना के का, तो हम विधायक बनाए हैं, फलाना विधायक बनाए, वो लोग कहाँ हैं, वो लोग को भी तभी रहना चाहिए पास में। चलिए अब ढेर सारा बातें करना, अभी के टाइम में कुछ थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा था, तो सोचे कि 2-4 शब्द आप लोग के बीच में अपना भी रख दें। जो चीज़ बोइएगा वही काटिएगा, सुन लीजिए, ये संदेश है हमारा, जिस तरह से बोइएगा उसी तरह से काटना है। आ खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं, और सब सच्चाई सामने आने वाला है, छटपटाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग जानते ही होंगे कहाँ हम बोल रहे हैं। भाई फिर बाद में फिर बात होगी।